सासू माँ ये देखिए हमने मुगल गार्डन बनाया था उसने गुलदस्ते की तरह कुचल दिया। इस बार ऐसे नहीं जाने दूंगा, इस बार तो हद पार कर दी उन्होंने। रुको वैभव, ऐसे बात करने से कुछ नहीं होगा, अब तो आर पार की लड़ाई होगी। इन्होंने पंगा लिया है, अब दंगा होगा। अष्टलक्ष्मी के आठों गुण जो कुछ सविता में और कुछ रेया में साथ में आएंगे तो घर के सारे विकार स्वयं ही निकल जाएंगे। अष्टलक्ष्मी के गुण दोनों साथ मिलकर ही पूरा कर पाएंगे। अरे ये सब क्या क्या लगा रखा आप लोगों ने? गाड़ी पे चले गाड़ी। अरे श्रेया आराम से, अरे इतनी महंगी गाड़ी है डेंट पड़ जाएगा यार। अरे कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो, नहीं पड़ेगा डेंट। मम्मी भाभी जी क्या क्या कर रही हैं आप, क्या कर रही हैं, क्या हाल बना दिया मेरी गाड़ी का। हटाइए अपना सामान, चलिए हटाइए यहाँ से। तो गाड़ी हटेगी तभी सामान हटेगा। ठीक है मैं अपनी गाड़ी हटाता हूँ, लेकिन आप लोग पहले अपना तामझाम हटाइए। चलिए लीजिए डैडी जी। दादी क्या हुआ? दादी खाइए ना, मैंने बहुत प्यार से बनाया है। डैडी जी आपका तो फेवरेट है ना, और ये मम्मी वाली ही रेसिपी है, उन्होंने मुझे भेजी थी, वही देख देख के बनाई है। बेटा मेरा बीपी ना थोड़ा हाई चल रहा है, अम्मा आप खाओ ना। बेटा मेरी तो उम्र हो गई है, तो ही खाना पहले। अम्मा मैं बहुत अच्छा है अम्मा, खाओ खाओ, खाइए ना दादी। वाह माया,
ये सच में तूने बनाया है? नहीं, बाहर से ऑर्डर करके मंगवाई है। अरे क्या दादी, तब से किचन में यही तो बना रही थी मैं, और सबको लगता है कि माया को कुछ नहीं आता। अरे नहीं नहीं, झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे तो सच में लगा था कि खाना वाना तू नहीं बना पाई, पर तूने तो कमाल ही कर दिया। थैंक यू दादी। सच बताऊं, ये सविता के हाथ से भी अच्छी बनी है। क्या कहा? मुझसे अच्छी बनाई है? वो मैं अम्मा, मैं तो बहुत खुश हूं। हर माँ यही तो चाहती है कि उसके बच्चे उससे चार कदम आगे निकले। खुश रहो। थैंक यू मम्मी। अरे दुकान में आज बिक्री हुई क्या? नहीं, क्या हुआ? रूपचंद ने कोई प्रॉब्लम तो नहीं खड़ी की ना? डैडी जी, प्रॉब्लम तो तोसनी वालन फैमिली बन के खड़ी हुई रूपचंद के सामने। क्या झंडे गाड़े दोनों सास बहू ने। उसकी गाड़ी खड़ी होने के बावजूद सासू माँ ने क्या आइडिया लगाया। लक्ष्मी माँ, बोलो। सविता, प्रणाम माँ। माँ, आज दुकान में बहुत अच्छी बिक्री हुई, ये आपका हिस्सा, और ये रोहित को नौकरी दिलवाने के लिए, उस दिन नहीं दे पाई थी। आपका हाथ सर पे है तो सब अच्छा हो रहा है। बड़ी बहू ने घर संभाला है, छोटी बहू ने दुकान में खूब मदद की, सब सही जा रहा है। अब माँ, मेरी एक और इच्छा पूरी कर दीजिए। एक और इच्छा? इतनी आसानी से नहीं सविता। मतलब? धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल हुए। माँ, ये तो एकदम ही सर के ऊपर से गया। ये सिक्के मुझे दो सविता। अब मेरे साथ चलो, तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। ये सिक्का तराजू के इस पलड़ी पर, और ये सिक्का दूसरी तरफ, नहीं उसी पलड़ी पर। अब बताओ क्या देख पा रही हो तुम? तराजू तो एक ही तरफ झुक गया है। बस यही संतुलन स्थापित करना है। एक के बाद एक केवल अपनी इच्छा पूरी करवाती रहोगी। इस बार पहले तुम्हें मेरी इच्छा पूरी करनी होगी, तभी संतुलन स्थापित होगा। आपकी इच्छा? आपकी क्या इच्छा हो सकती है? सेठ भी क्या क्या कारनामे करते हैं, होता कुछ नहीं उनसे। सुबह से लगे, आज तो गाड़ी भी लगा दी, फिर भी कुछ नहीं कर पाए ये सुख सागर नमकीन वालों का। उल्टा उन्होंने सेठ की गाड़ी के बैंड बजा दिए। तुम दोनों को यहाँ पे गप्पे मारने के पैसे मिलते हैं? चलो अपना व्यायाम खत्म करो, चलो अंदर। इन पे गुस्सा करके क्या फायदा? सही तो कह रहे हैं ये लोग, कुछ भी नहीं कर पाए ना आप। सब ट्राई करके देख लिया, डिस्काउंट भी, गाड़ी भी, गोबर भी, सब इनकी दुकान के आगे डाल के देख लिया, पर आप इन्हें नहीं रोक पाए। सिर्फ मुझे रोक लिया मुंबई जाने से।
पापा अभी भी टाइम है, एक बार में वहां जाके सुपरस्टार बन गई ना, बाद में इनकी शक्लें देखना कैसे उतर जाएगी। और आप भी तो यही देखना चाहते हैं ना, तो प्लीज मुझे जाने दीजिए ना। फिर कोई बात, कोई जाने का नाम मत लेना मेरे सामने। तो और क्या करूं पापा, यहां बैठे बैठे इरिटेट होती रहूं। मेरा सपना टूट गया और जिनकी वजह से ये सब हुआ उनका तो मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ और ना आप कुछ कर पा रहे हैं। करूंगा बेटा, इनके चेहरों पे हंसी और इनकी दुकान पे हलचल देखने का आदी नहीं हूं, कुछ भला करना होगा। तुम किसी भी तरह ये पता करो कि इनके घर में आगे ऐसा क्या होने वाला है जो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप तो भगवान हैं, आपको भला मैं क्या दे सकती हूँ। धर्म, धर्म सविता, धर्म चार प्रकार के होते हैं, सत्य, तप, पवित्रता और दान। किंतु कलयुग में दान के अतिरिक्त शेष तीनों धर्मों का लोप हो चुका है, इसलिए दान ही वो आवश्यक मार्ग है जो मनुष्य को धर्म से जोड़े रखता है। और दान में भी सर्वोपरि है अन्नदान, क्योंकि यह ब्राह्मण अन्न से बना है और इसका पालन पोषण भी अन्न से ही होता है। तो तुमको मेरे लिए एक भोज का आयोजन करना होगा, पर ध्यान रहे वहां से कोई भी प्राणी भूखे पेट न जाए। तो बोलो सविता, कर पाओगी ये धर्म का काम? करूंगी ना माँ, बिल्कुल करूंगी। दान पुण्य का काम करने में मैं तो एक्सपर्ट हूँ, जिंदगी भर यही तो क्या है, मंदिर में आपका ध्यान और मंदिर के बाहर आके दान। अब आप देखना, ऐसा भोज करूंगी ना आपके नाम का, सब कुछ अपने हाथों से बनाऊंगी, सब कुछ, और कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। आप यही चाहती है ना? हाँ सविता, यही मेरी इच्छा है। किंतु ध्यान रहे, तुम्हें ये लक्ष्मी भोज अपने बड़े बेटे की पहली कमाई से करना होगा। अम्मा, रोहित की नौकरी अभी अभी लगी है, उसने अभी तो कमाना शुरू किया है। तो तुम्हें क्या लगता है वह तुम्हें लक्ष्मी भोज के लिए धनराशि नहीं देगा? नहीं नहीं, देगा ना, क्यों नहीं देगा, वो अपनी माँ को कभी मना नहीं करेगा, देगा ना। आप देखना माँ, रोहित आपके भोज में कोई कमी नहीं छोड़ेगा, आप बस आशीर्वाद बनाए रखना। अवश्य, मुझे भी तुम्हारे लक्ष्मी भोज की प्रतीक्षा रहेगी। कर रही हो? वो माँ को प्राणायाम, बस योगा कर रही थी। क्या हो गया है तुम्हें सविता? हर चीज की जगह और सही समय होता है, और ये सोने का टाइम है। प्राणायाम, ये लीजिए चाबी, मैंने दुकान अच्छे से बंद कर दिया। थैंक यू जी। भाभी, क्या हुआ? इतने सालों से मैं दुकान पे काम कर रहा हूं, पर आज जिस तरह से आपने दुकान चलाई कभी नहीं देखा मैंने। सल्यूट है आपको, मतलब दुकान में जान डाल दी आपने, काश आप ही दुकान संभालती भाभी। मैंने अकेले कुछ नहीं किया उल्लू भैया, इनफैक्ट सब तो मम्मी जी की वजह से हुआ है, मैं तो बस उनका साथ दे रही थी और कुछ नहीं। भाभी, नाम उल्लू है, उल्लू मत समझिएगा, आपने जो किया है ना सबने देखा है, और आपका बड़प्पन है कि अपना श्रेय भी आप दूसरों को दे रही हैं। मैं चलता हूँ, और हाँ वो वैभव भैया को ना बोल दीजिएगा कि कल जल्दी दुकान पे आ जाएंगे, नया हलवाई आने वाला है, अपना वाला तो आज गाँव चला गया। ठीक है। Oh,
दुनिया। हाँ पापा, पापा ये क्या कर रहा है तू वैभव? मैं वो बस तू बावर्ची बन के रसोई में नाच रहा है। पापा वो आज दुकान में ना सेव मैंने बनाई, मतलब मैंने बनाई अपने हाथों से, और कितना मजा आया है। क्या मजा आ गया पापा, मतलब ऐसा लग रहा था कि एक हाथ में खर्ची एक हाथ में आटा और सामने गोल सी कढ़ाई। आ हा हा हा, ऐसा लग रहा था प्लेग्राउंड है पापा, और ऐसा लगा उतर जाऊं मारू छक्का। आह जैसे गोली मारता है, जैसे गोली चलाता ना अपने हाथ से बल्ले, मेरे हाथ में खर्ची उभरी थी कढ़ाई भी। और फिर क्या, फिर मैंने सोचा कि आज घर का खाना मैं बनाऊंगा। देखिए स्पेशल दाल, और ये है पनीर। बाबा शाही पनीर बन जाए फिर आप टेस्ट करें। दिमाग खराब हो गया तेरा? मैं यार सपने देख रहा हूँ कि तू बहुत बड़ी ऑफिस में काम करे, बहुत बड़ी कंपनी में पोस्ट में काम करे, तेरा बहुत बड़ा कैबिन हो, लोग आके यस सर बोले, और तू यहाँ बावर्ची बना फिर रहा है। ये तेरा भविष्य है वैभव? ये सब नहीं, सब्जी आलू गाजर मूली सब्जियां काट रहा है, पनीर बना रहा है तू। पापा पापा पनीर, पापा नहीं, पापा पापा नहीं, पापा पनीर पनीर पापा पनीर, मेरा पनीर प्लीज, मेरा पनीर, मेरा पनीर। पनीर मेरा पनीर वैभव, पनीर पनीर वैभव, मेरा पनीर वैभव, उठो श्रेया। सपना था जो गंदा था। ये कैसा सपना देख रहे थे? अपने किसी एक्स गर्लफ्रेंड को याद कर लेते ही नहीं कोई, पारुल पूजा प्रियंका, ये पनीर पनीर क्या कर रहे थे? वैभव तुम्हें सपने में भी पनीर आते हैं? नहीं, एक्स गर्लफ्रेंड आई थी, कैसे अब प्यार से वो अपने हाथों से पनीर खिला रही थी मुझे। वाह तभी तो आई थी मेरे सपने में, और मैं कह रहा था पनीर पनीर। कौन सी एक्स गर्लफ्रेंड, कौन सी एक्स गर्लफ्रेंड? जलन हुई ना। तो मैडम बोलना आसान है और झेलना मुश्किल। अगर मेरी गर्लफ्रेंड प्यारी गर्लफ्रेंड अपने प्यारे हाथों से मुझे पनीर खिला रही होगी तो तुम गोली मार देती मुझे भी, और बेचारी मेरी गर्लफ्रेंड को भी। क्या बेचारी बेचारी कर रहे हो, बस बस ज्यादा ओढ़ो मत। और सुनो उल्लू भैया आए थे, उन्होंने कल तुम्हें दुकान पे जल्दी बुलाया है, वो कल सुबह। हाँ हलवाई आ रहा है, मुझे पता है उससे मिलना। हाँ वही। अच्छा एक बात बताओ, अगर शाम भैया सुबह को ही निकल गए थे तो दिन भर बाकी की सेव किसने बनाई, तुमने? बता दूं? नहीं, श्रेया को बता दिया तो बात कहां की कहां पहुंच जाएगी। बोलो। नहीं नहीं नहीं, अब वो मैंने दूसरे दुकान के हलवाई से ना हेल्प ले ली थी। हाँ अब वैभव आता हूँ मैं। कुछ तो है जो ये छुपा रहा है। मजा आ रहा। डैडी जी। अरे वाह लाई लाई। सासू माँ ये देखिए, माया जी का जैसा डिजाइनर कपड़ा होता है ना वैसे ही डिजाइनर पराठा है। डैडी जी खाइए ना, मस्त है। जी जी। क्या माया बेटा, तुमने बहुत अच्छी तरह से घर संभाला है। आज की लिस्ट याद है ना, अपने पापा को कम नमक वाला सादा घर का खाना ही देना है, और आज झाड़ू वाला आएगा ना तो पूरे घर के जाले निकलवा लेना, और उसे पैसे भी देना है। हाँ
आ गई महारानी रेडी होके, इनके पराठे भी मुझे सेकने पड़ेंगे। श्रेया बड़ी जल्दी रेडी होके आ गई। श्रेया तुम्हें दुकान जाना है ना, आ जाओ जल्दी से नाश्ता कर लो, बैठो, बैठो। अरे मम्मी जी आपको भी तो जाना है, आप बैठिए। अरे नहीं नहीं तुम पहले आप नाश्ता। अरे अरे बैठिए मम्मी बैठिए, रुकिए पराठा मैं लेके आती। नहीं रुको, माया लेके आएगी। सासू माँ खाइए ना, मस्त है एकदम। माया जी टू गुड, बहुत बढ़िया पराठा बनाया आपने, कितना फटाफट कर रही हूँ। अब सब आ ही गए हैं तो मुझे एक जरूरी बात बतानी है सबको। रोहित को नौकरी मिलने की खुशी में कल मैं लक्ष्मी भोज कर रही हूँ। आज अच्छे से तैयारी कर लेंगे और कल भोज। अच्छा भोज मुफ्त में नहीं होता सविता, कभी कभी दिमाग से भी काम कर लिया करो। 10-12 हजार से कम खर्चा नहीं होने वाला, इतने पैसे कहां से आएंगे? अरे मम्मी बात को समझने की कोशिश करो, रतलाम में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, धर्म पुण्य करने वाले, हमें क्यों करना है ये सब? लक्ष्मी माँ की इच्छा की पूर्ति अब मैं कैसे करूंगी?